के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गईं। रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती। उन्होंने कांग्रेस के बिपेंद्र सिंह चतुर सिंह जडेजा को भारी वोटों से हराया है। मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँ। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। कुल पड़े वोटों में से 65% वोट से ज्यादा रिबाबा को मिले। रिबाबा की लाइफस्टाइल राजशाही है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, आलीशान महल जैसा घर है और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। चुनाव नामांकन के दौरान उनके द्वारा जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनके पास 57.60 लाख रुपए के गहने हैं, वहीं नगद 4.70 लाख है। रिबाबा की कुल संपत्ति 62.35 लाख रुपए है। वो फूड बिजनेस में भी जुड़ी हुई हैं। रिबाबा और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी साल 2016 में हुई थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम निधियाना है। निधियाना एक हिंदू नाम है और भारतीय मूल में इसका मतलब सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन है। सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर, अक्सर लोग अपने बच्चों के बर्थडे पर बड़ी पार्टियां करते हैं, लेकिन रविंद्र और रिबाबा ने अपनी बेटी निधियाना के 5वें जन्मदिन के मौके पर 101 लड़कियों की जिंदगी संवारने का काम किया था। सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि के तहत 101 बेटियों के अकाउंट खुलवाए और सभी के खातों में 11,000 रुपए जमा कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट मिलना कोई संजोग नहीं बल्कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही। उनका जामनगर से खास रिश्ता है। उनका जन्म राजकोट में हुआ, बचपन सौराष्ट्र और जामनगर में ही बीता। जामनगर की बात की जाए तो यहाँ महिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा की बहन देख रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने उन्हें काउंटर कर दिया। 5 दिसंबर 1990 को रिबाबा का जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था। उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी एक बिजनेसमैन हैं और माँ प्रफुल्लता सोलंकी इंडियन रेलवे में नौकरी करती हैं। रिबाबा जडेजा को रीवा सोलंकी के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने राजकोट के एक इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। रिबाबा का परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके चाचा हरी सिंह सोलंकी गुजरात के कांग्रेस नेता है। रिबाबा राजपूत करणी सेना के लिए भी काम कर चुकी है। वो सौराष्ट्र में करणी सेना की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी।